भगवत गीता 13.13 कंटिन्यू करते हैं। और अर्जुन के 6 क्वेश्चंस किसको याद है? क्या थे 6 क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस ऑफ अर्जुन। मित्र पृथु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सो अर्जुन पूछ रहे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, फिर वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड पुरुष एंड प्रकृति। क्वेश्चन प्रकृति 6 क्वेश्चंस थे। सो नॉलेज, जिसमें से हमने क्षेत्र के बारे में समझ लिया और नॉलेज समझ लिया और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी समझे हम। अभी है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो ये सब लोग, आप लोग को सब समझ में आ रहा है ये चैप्टर कैसा है, कि किसको समझ में नहीं आया अभी तक क्या हो रहा है डिस्कस? उसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, पुरुष। ओके, सो अभी कृष्णा बताएंगे 13 नंबर श्लोक से लेके 19 नंबर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसको बोलते हैं ज्ञेयम संस्कृत में। इसलिए पहला वर्ड इसमें यूज किया है, कृष्णा यूज करते हैं ज्ञेयम। ज्ञेयम मतलब नोएबल, जानने लायक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। बढ़ते हैं इसको। ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतं श्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्ना सत् उच्यते। या ट्रांसलेशन, आई शेल नाउ एक्सप्लेन द नोएबल, नोइंग विच यू विल टेस्ट द इटरनल ब्रह्म एंड द स्पिरिट बिगिनलेस एंड सबॉर्डिनेट टू मी लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कृष्ण बता रहे, नाउ आई विल आई शैल नाउ एक्सप्लेन नोएबल। गेयम अब बताएंगे, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब अभी मैं बोलूंगा, संस्कृत वर्ड प्रवक्ष्यामि, आई विल स्पीक, आई विल नाउ एक्सप्लेन। क्या गेयम, और इसको जानने से क्या होगा? अमृतम मिलेगा हमें, गेट नेक्टर। सो ये पहले बेनिफिट बताते हैं, फिर बताते हैं कि गेयम क्या है। ब्रह्मन द स्पिरिट बिगिनलेस सबॉर्डिनेट टू मी लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। सो यहाँ पे 13 नंबर श्लोक में जो गेयम है वो है आत्मा। आत्मा क्षेत्रज्ञ भी है और आत्मा गेयम भी है। तो गेयम जो है अल्टीमेटली, मतलब कौन सी चीज है जो जानने लायक है, अल्टीमेटली वो है आत्मा और परमात्मा दोनों। और इस श्लोक में आत्मा के विषय में बताएं, और फाइनली कृष्णा फिर परमात्मा का भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि वो भी गेयम है। सो गेयम, ये गेयम मतलब जानने के बाद व्यक्ति को अमृत मिलता है। और अमृत वो क्या है एग्जैक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट अमृत? अगर वो गेयम समझ जाए, मतलब आत्मा को समझ जाए, परमात्मा को समझ जाए, यानी कि खुद को समझ जाए तो, और भगवान को समझ जाए, तो अमृत मिलने का मतलब क्या? मटेरियल मिजरी
उसका जो वेग है कम हो जाएगा एंड हम परफेक्ट रियल हैप्पीनेस हाँ वो एंजॉय क्या कर है वो सकते हैं। हैप्पीनेस, वही अमृत की बात हो रही है ना, रियल हैप्पीनेस तो बोल रहे हैं, सही बात है, बट व्हाट इज दैट। तो जो रिलेशनशिप हाँ रिलेशनशिप का आस्वादन कर पाएंगे हम, वो है एक्चुअली रियल नेक्टर जो अमृत यहाँ पे बात की जा रही है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रिलेशन जो है वो रिलीज कर पाएगी हम। और सो ये पॉइंट इस श्लोक में इन्हों बताते हैं। सो और कोट प्रभु, उसमें जो अनादि है और मेरे अभी है, अनादि मतलब भगवान भी है, जिसका भगवान भी अनादि है, हम भी अनादि मतलब हम तब से हैं और उनके साथ में है। अभी के अभी हैं। हाँ हाँ जब से भगवान है तब से हम, ठीक है, पर डिफरेंस क्या है कि हम उनके अधीन हैं, वो भी अनंत, वो भी इटरनली अधीन रहेंगे हम हमारा रिलेशनशिप अनादि काल अनादि से है। काल से, और कुछ कई जन्मों से हम भूल गए, वो करोड़ों जन्मों से भूल गए हम, तो इसलिए वो धूल जमा हो गई है। ब्रह्म या आत्मा, मतलब ब्रह्म और आत्मा एक है। हाँ ब्रह्म और आत्मा एक ही है, पर ब्रह्म मतलब परमात्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा, और कई जगह पे भागवतम में ब्रह्मन को परमात्मा से भी कंपेयर किए हैं, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो जानना जरूरी है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं आत्मा वही परमात्मा, कंफ्यूज हो जाते बोलते हैं जो आत्मा है वही परमात्मा है और वो हम ब्रह्मास्त्र नहीं बोलते कि मैं। मैं ही हाँ सब कुछ। यस, तो हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूं, पर मायावादी बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तो ये कंफ्यूजन है इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा, जो लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, ये चैप्टर के कंक्लूजन में ऐसे ही आ जाते हैं लोग, इसलिए इधर लास्ट लाइन लिखते हैं हाईलाइट में। यस Therefore, the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul. And when the word Brahman is applied to the living entity, it is to be understood that by he is Vijnana Brahma as opposed to Anand Brahma. Anand Brahma is the supreme Brahman personality of Godhead. तो लास्ट टू लास्ट क्लास हमने देखा था, एक होता है आनंद, आनंदमय जो टॉप मोस्ट है, और है विज्ञानमय, तो विज्ञानमय मतलब आत्मा, आनंदमय मतलब परमात्मा ऐसा। सो ये एक अच्छा, एक इसके ऊपर एक चार्ट है, टेक्स्ट नंबर 13 में। सो इसमें बोलता था ना कि ये जो वर्स है, दिस वर्स आंसर्स अर्जुना सिक्स्थ क्वेश्चन गेयम। तो ग्रीन और ब्लू दो कलर इसमें आप देख रहे हो चार्ट, दिख रहा है क्या? सो ग्रीन जो पार्ट है वो आत्मा का है, ब्लू पार्ट जो है वो परमात्मा का है, क्योंकि दोनों गेयम है, दोनों जानने लायक है, दोनों नोएबल है, इसलिए इस परपोर्ट में प्रभुपाद दोनों को बताते हैं। तो विज्ञान ब्रह्म मतलब आत्मा, और आनंद ब्रह्म मतलब परमात्मा, और फिर प्रभुपाद कोट भी करते हैं परमात्मा कैसे अलग है आत्मा से, और ये श्लोक जो है आत्मा को डिनोट करता है, परमात्मा को नहीं, परमात्मा को डिनोट करने के लिए अगला श्लोक है इसमें, टेक्स्ट नंबर 14। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये श्लोक पढ़ने से लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, कृष्णा बताते हैं। यस Translation: Everywhere are his legs, hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. तो ये जो है परमात्मा एस्पेक्ट है, तो क्या बोल रहे हैं कि सब जगह उसके हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सर है, चेहरा है, कान है, सब जगह, ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं ये आत्मा का भी यही डिस्क्रिप्शन है, हम भी सब जगह है परमात्मा की तरह,
पर अभी हम लोग भ्रम में आ गए हैं, मतलब इल्यूजन में आ गए, इसलिए हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मायावादी लोग, कि हमारे अंदर ये सब है, हम भी, हमारे हाथ भी सब जगह है, हमारे पैर भी सब जगह है, बट हम लोग भूल गए हैं, है ना, तो इल्यूजन में आ गए हम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इल्यूजन में आप अगर आ गए हो तो इल्यूजन भगवान हो गया, क्योंकि इल्यूजन के प्रभाव में आप आ गए तो आप भगवान कैसे हुए, है ना, तो इल्यूजन भगवान हुआ ना। भगवान वो चीज जिसको, जो किसी के अधीन नहीं होते, पर आप इल्यूजन के अधीन हो गए, तो इस तरह से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हर एक एक श्लोक का, भगवत गीता का जो है वो भक्ति से कनेक्टेड है। तो अद्वैत आचार्य, सुना है ना नाम, तो जब वो भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उन्होंने हर श्लोक को भक्ति से कनेक्ट करके बताया, पर ये श्लोक जब उन्होंने पढ़ा उनको वो कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ, श्लोक को वो भक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो तब जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, अभी जैसे गौर पूर्णिमा का मूड है, तो महाप्रकाश लीला में अद्वैत आचार्य को रियल मीनिंग चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्लोक का, और इवन चैतन्य महाप्रभु उनके ड्रीम में भी आते हैं और बोलते हैं कि ये जो श्लोक है परमात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए नहीं है, इसलिए तुम कंफ्यूज मत हो। तब अद्वैत आचार्य सभी श्लोक, मतलब 699 श्लोकास को अद्वैत आचार्य ने भक्ति से कनेक्ट किया था, ये श्लोक को नहीं कर पाए कनेक्ट। तो इसलिए आचार्य का कमेंट्री कितना इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अच्छा, कि परमात्मा जो है सब जगह है, जैसे सूर्य की किरणें जो है सब जगह व्याप्त हैं, और क्योंकि भगवान सब जगह है तो भगवान बट नहीं गए, ऐसा भगवान तो एक ही है, ये भगवान का इनकंसीवेबल पोटेंशियल, जैसे मैं इधर हूँ फिर 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा वहां पे भी सूर्य होगा, मैं यहाँ पर हूँ तो भी सूर्य होगा, वही एक सूर्य होगा, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान सब जगह है, जैसे सूर्य सब जगह है, हर एक को अपना एक एक सूर्य दिखता है, बट सूर्य एक ही है, और वो सूर्य जब रिफ्लेक्ट होता है पानी में तो हर एक एक पॉट में रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसे ही भगवान एक ही है, पर सबके हृदय में परमात्मा के फॉर्म में ऐसा लगता है डिवाइड हो गए हैं, पर वो डिवाइड नहीं हुए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है ऐसा, जैसे सूर्य जो है वो डिवाइड नहीं है, वो तो एक ही है। ऐसे ही ये तात्पर्य प्रूव करता है कि ये जो श्लोक है 14 नंबर, वो परमात्मा के लिए, वो आत्मा के लिए नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, दिस मीन दैट इंडिविजुअल सोल हैविंग बिकम कंडीशन बाय मटीरियल नेचर इज नॉट सुप्रीम, ठीक है। इफ लॉर्ड इज फार अवे हाउ ही एक्सेप्ट थिंग्स, तो ये है, भगवान कैसे भोग स्वीकारते हैं, भगवान बोलते हैं ना सब जगह मेरे हाथ है पैर है ना, तो ये श्लोक से, दिस इज द ओमनी पोटेंस ऑफ द लॉर्ड, इवन दो भगवान अपने धाम में है पृथ्वी से कई दूर है, स्टिल वो हमारे ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये टेक्स्ट 15। तो अभी परमात्मा के विषय में कृष्ण एक्सप्लेन करेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणा भाषम सर्वेन्द्रिय विवर्चितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। Translation: The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the mode of nature, and at the same time, he is the master of all modes of material nature. तो कॉन्ट्राडिक्शंस बता रहे हैं अभी कृष्णा, तीन सेट बताए हैं कृष्णा के अंदर, इस श्लोक के अंदर तीन कॉन्ट्राडिक्शन, थ्री सेट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहला क्या है, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस, पर उनके वो इंद्रियां नहीं है, ठीक है। ही इज अनअटैच बट ही इज मेंटेनिंग, मेंटेन कौन करता है, जो अटैच है, पर ये अनअटैच है पर फिर भी मेंटेन कर रहे हैं,
और तीसरा ही ट्रांसेंड्स मोड ऑफ मटेरियल नेचर बट इज मास्टर ऑफ मोड ऑफ मटेरियल नेचर. सो थ्री सेट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इस श्लोक के अंदर है. सो ऐसे ही प्रकार के श्लोक उपनिषदों में आपको मिलेंगे, वेदों में मिलेंगे, जहां डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है भगवान के विषय में. डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन केवल श्रीमद् भागवतम के अंदर है और भगवत गीता और चैतन्य चैतामृत के अंदर. सो इनकंसीवेबल डिस्क्रिप्शन है ये. इनकंसीवेबल मतलब ये नहीं कि हम नहीं समझ सकते, इनकंसीवेबल मतलब ये कि हम इस चेतना से नहीं समझ सकते जो अभी हमारे अंदर है, ये लेवल की चेतना से हम नहीं समझ सकते. तो इनकंसीवेबल का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं समझ सकते, इनकंसीवेबल का मतलब क्या, ये जो हमारी चेतना है वो चेतना से हम नहीं समझ सकते, पर जैसे जैसे हम प्योरीफाई होंगे ऐसे ऐसे हम समझ पाएंगे कि हम भगवान को नहीं समझ सकते. ऐसा सो कृष्णा को हम नहीं समझ सकते. तो क्यों हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम मटीरियली कंटेमिनेटेड है. ये सारे श्लोक कैसे बताए, ये सारे श्लोक जो है केले के छिलके की तरह है, फिसल जाते हैं लोग है ना. भक्ति में अच्छे से ग्रो करते हैं पर जब ऐसा श्लोक सामने आता है ना तो एक एक्सीडेंट हो जाता है. अरे ये क्या है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं और बट डिटैच्ड है भगवान जो है, और क्या है कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ सेंसेस नहीं है बोलते, ओरिजिनल सोर्स ऑफ सेंसेस है. तो शास्त्र में ऐसे कई सारे केले के छिलके रखे हुए हैं. तो जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो ऐसे कई बार अगर हम ध्यान से नहीं पढ़े या खुद का लगाए तो हम लोग यू नो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. इसलिए ऐसे श्लोकों के साथ अच्छे से डीलिंग करना आना चाहिए. तो ऐसे श्लोक को डील करने के लिए दो क्वालिटी चाहिए, ह्यूमिलिटी और मैच्योरिटी. इसलिए भगवान जब ऑब्जेक्ट ऑफ ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज बताते हैं लास्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्वालिटी क्या बताते हैं, ह्यूमिलिटी. सो ह्यूमिलिटी हमको प्रोटेक्ट करती है जब ऐसा स्लिप हो फिलोसॉफिकल. तो जब व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी आती है तब वो ये सोचता है कि मैं इग्नोरेंस में हूँ और मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, अब मुझे ये श्लोक समझ में नहीं आ रहे हैं, बट अगर गुरु और कृष्णा मुझे ब्लेसिंग देंगे तो मैं समझ पाऊंगा, अदरवाइज आई एम अनक्वालिफाइड. और पास्ट में कई सारे ऋषि मुनियों ने इस श्लोक को समझा है, मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ. सो दिस इज ह्यूमिलिटी. और प्रभुपाद जो डेफिनेशन देते हैं ह्यूमिलिटी का कि डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, वो भी इस पॉइंट को कंसिडर करता है. सो एक ह्यूमिलिटी और दूसरा है मैच्योरिटी. मैच्योरिटी से हमको क्या, हमारे ब्रॉड माइंड हो जाते हैं हम, कि बहुत वास्ट नॉलेज है ये और ये ब्रॉड माइंडेडनेस आ जाती है. और गीता हमको हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में हेल्प करती है. तो हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए कई बार हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स डाल देते हैं पर्पसफुली, ताकि हम थोड़ा गहराई से नॉलेज में उतर सके. जो सिंसियर होगा ना वो सोचता रहेगा कैसे हो सकता है, तो वो क्या थोड़ा और अनकवर करता है नॉलेज को, अलग अलग डिवोटीज से मिलता है, कमेंट्रीज को रिफर करता है और कंटेम्पलेट करता है, ताकि उसका नॉलेज मैच्योर हो जाए. अगर एकदम सब कुछ स्ट्रेट बोलेंगे तो कंटेम्पलेशन लोग नहीं करेंगे, लोग गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करेंगे. तो इसलिए कई बार ऐसे ऐसे श्लोक आ जाते हैं जो हम जैसा समझते हैं वैसा वो होते नहीं है और कंफ्यूजन आ जाता है. तो गहराई में उतारने के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स कई बार ऐसे श्लोक दे देते हैं. सो इस तरह से हमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा कैसा इसमें कृष्णा बोल रहे. तो कृष्णा जो है वो इनकंसीवेबल है, कृष्णा को हम समझ नहीं. मैच्योर डिवोटी कभी ये नहीं बोलता है कि मैं कृष्णा को समझ गया, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं कृष्णा को नहीं समझाऊ.
और हम नहीं समझ सकते। जितना हम ये रियलाइज करेंगे ना कृष्णा को हम नहीं समझ सकते, उतना हम समझ जाएंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये हाईलाइट पढ़िए। In other words, the Lord is not impersonal. He has his eyes, legs, hands, and everything else. And because we are part and parcel of the Supreme Personal, Supreme Lord, we have also these things. But his hands, legs, eyes, and senses are not contaminated by material nature. So Krishna ke paas jo indriyan hai, wo hamare jaisi nahi hai. Dikhne mein hamare jaisi hai, hogi shayad. बट क्वालिटी वाइज नहीं है वैसी। सो भगवान के हाथ हमारे हाथ दोनों अलग अलग है। सो नो वो आता है ना, भगवान अपने धाम में है पर उनका हाथ इधर तक पहुंच सकता है, पर हाथ दिखेगा हमारे जैसा ही। सो भगवान इम्पर्सनल भी नहीं है, मेरी पॉइंट, भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि निराकार वाले लोग जो है वो इजिली इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि सब जगह हाथ पैर कैसे हो सकते हैं, मतलब निराकार। वही चीज को कंटिन्यू करते हैं कृष्णा डिस्क्रिप्शन। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवच सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम् दुरस्थम चांतिके च तत्। ट्रांसलेशन। द सुप्रीम ट्रूथ एक्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, द मूविंग एंड द नॉन मूविंग। बिकॉज़ ही इज सटल, he is beyond the power of material senses to see or to know, although far far away he is also near to all. To ye section mein kya kaun sa answer de rahe hain krishna, kaun se question ka kis kya charcha ho raha hai isme, pura section mein kya charcha ho raha hai? Ha par kaun sa prashna? Gyam, right? Gyam. To krishna kya bolte hain, ab main gyam ke vishay mein kahunga। और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अविज्ञेयम्, नहीं समझ सकते इसको। ऐसा क्या रहे इसका, अविज्ञेय मतलब अनोएबल, ये ऐसी चीजें नहीं समझ सकते। सो ये ऐसा नोएबल है जो अनोएबल है। वो आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए अब तब से। सो अविज्ञेय मतलब अनोएबल, कृष्ण ये बोल रहे हैं। सो ही एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड एंड ही इज बियॉन्ड द पावर ऑफ मटेरियल सेंसेस टू सी और टू नो। टू नो मतलब ही इज बियॉन्ड द पावर टू नो, ऑल्दो फार फार अवे ही इज नियर टू ऑल। सो इसलिए इनको हम अपने मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ सकते कृष्ण। तो हमारा सबसे बड़ा डिजीज क्या है कि हम इन मटेरियल माइंड और मटेरियल इंटेलिजेंस से कृष्णा को कैलकुलेट करते हैं, और ऐसे ही नहीं, मटेरियल माइंड और मटेरियल सेंसेस से हम कृष्णा के रेसिप्रोकेशन को कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इतना सेवा किया या इतनी साधना की है तो इतना मर्सी मिलना चाहिए था, इतना मैंने तपस्या की है तो इतना माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल होना चाहिए था। तो ये सब क्या है, मटेरियल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये कंटेमिनेटेड माइंड और सेंसेस से हम अगर कृष्णा के रेसिप्रोकेशन को कैलकुलेट करेंगे तो एंड में फ्रस्ट्रेट रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ डिसप्रपोर्शन है भक्ति के अंदर। 100% आउटपुट दो तो 1% मिलता है, ऐसा सोचेंगे हम, उसकी वजह से हमारा फेथ फिर डाउन हो जाता है। तो इसलिए डोंट कैलकुलेट विथ मटेरियल माइंड एंड सेंसेस, कृष्णा के रेसिप्रोकेशन को कैलकुलेट मत कीजिए। और तो कैसे करेंगे हम, स्क्रिप्चर्स को रेफर करना है कि कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हमारे कंटेमिनेटेड माइंड और सेंसेस को इसमें दौड़ाना नहीं है, अगर उसको दौड़ने जाओगे तो फिर केले के छिलके में जैसे फिसलता है आदमी वैसा होगा,
डैमेज हो जाएगा फिर. सो टू अंडरस्टैंड हिम विथ अवर मटेरियल माइंड एंड सेंसेस कैन नॉट एक्ट, बट वन हु हैज प्योरिफाइड हिज माइंड एंड सेंसेस बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन डिवोशनल सर्विस कैन सी हिम कॉन्स्टेंटली. सो माइंड और सेंसेस को प्योरिफाई करो. कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. तभी हम कृष्णा क्या सोचते हैं वो हम थोड़ा 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 सा एकदम समझ पाएंगे. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तद् गेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च. Translation: Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of all of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? Super soul एक ही है. Although super soul appears to be divided, but is situated as one. है ना, ये परमात्मा एक ही है. बट सभी जीवों के अंदर है. जैसे सन का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद सन का ही एग्जाम्पल देते हैं. हर एक एक जगह पे रिफ्लेक्ट होता है. भगवान एक ही है, हर एक एक के अंदर इंडिविजुअल परमात्मा है. सो इस तरह से सो वैदिक हाँ विभाजित नहीं होते. कृष्ण कभी डिवाइड नहीं होते हैं, पर हर एक के अंदर इंडिविजुअल कृष्ण है. नहीं समझ सकते अविज्ञेय हमें. Although maintainer of all living entities, चाहे भले वो सबको मेंटेन कर रहे हैं पर सबको डिवोर भी करते. डिवोर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आहार, मतलब खा जाते हैं ऐसा बोलते हैं. डिवोर करते हैं यहाँ. तो डिवोर किस फॉर्म में करते हैं? काल के रूप में, इटर्नल टाइम. इस तरह से कृष्णा के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है. हाँ, जन्म लेते हैं और मेंटेन भी करते हैं और संहार भी कर लेते हैं और अटैच भी नहीं है. तो भागवतम में ये बताते हैं कि कृष्णा के अंदर सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं. पूरे संसार में जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है सब कृष्णा के अंदर मिलेंगे. और वो सारे कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ एक ही रीजन से रिजोल्व हो सकते हैं. एक ही, अगर आप वो एक चीज करो ना तो रिजोल्व हो जाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन. क्या है वो बताएं? जस्ट लव कृष्णा, सारे कॉन्ट्राडिक्शन रिजोल्व हो जाएंगे. जो व्यक्ति कृष्णा को लव नहीं करता है, मतलब उनको सर्व नहीं करता है, तो उसको सारे कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगे कृष्णा में. और फिर वो बेविल्डर हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा. तो लव मीन्स टू सर्व. सो प्रभुपाद इसमें बताते हैं, डिवोर जब कृष्णा इसमें यूज करते हैं, ग्रसिष्णु वर्ड यूज करते हैं. तो डिवोर में प्रभुपाद फिर 11 चैप्टर में बोलते हैं ना, कालोस्मी आई एम दैट टाइम, मैं सबको नाश करने आऊं, तो वो कोट करते हैं. एंड देन इन टेक्स्ट 18, ज्योति श्याम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम. Translation: He is the source of light in all luminous object. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. So Krishna isme kya word use kar rahe hain? He is object of knowledge and he is goal of knowledge. So object of knowledge aur goal of knowledge ek hi hai kya antar hai? डिफरेंस है कोई? क्या डिफरेंस है?
मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जैसे कि मतलब ये जो नॉलेज किसका लेना चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट, फिर गोल ऑफ नॉलेज, वो ऑब्जेक्ट मतलब वो नॉलेज लेके हमें क्या हमारा हमारा गोल है, मतलब एग्जाम्पल दे के समझाओ, कोई एग्जाम्पल. इसमें से कोई एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और गोल ऑफ नॉलेज। यस प्रभु। अरे किसान प्रभु जी, प्रभु जी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब ये साधन भक्ति जिसके थ्रू हम कृष्णा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद में गोल ऑफ नॉलेज भी वही है कि वो अचीव करने के बाद में भी हम भगवान की भक्ति ही करेंगे. दोनों एक ही हुआ ना मीनिंग आपके हिसाब से? मीनिंग अलग ऐसे हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज में भक्ति करने का एक प्रोसेस है, और गोल ऑफ नॉलेज में भक्ति गोल अचीव करने के बाद हमको भक्ति करनी. कंफ्यूजन है थोड़ा, अलग कैसे? और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी तो भगवान है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर है। हाँ ऑब्जेक्ट, सेवा करना। नहीं, सिंपल है। जैसे डॉक्टर है, वो पेशेंट को एग्जामिन करता है, ठीक है? तो पेशेंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, और उस पेशेंट को ठीक करना गोल ऑफ नॉलेज। ये डिफरेंस है, समझे आप? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, गोल ऑफ नॉलेज, दोनों में ये अंतर है। ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर है। दोनों पेशेंट से रिलेटेड ही है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? पेशेंट। गोल ऑफ नॉलेज क्या है? टू क्योर। सो ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णा इधर बोल रहे हैं कि मैं ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हूँ और मैं ही गोल ऑफ नॉलेज हूँ। हाँ, नॉलेज भी मैं हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैं हूँ, गोल भी मैं हूँ, और मैं सबके हृदय में भी रहता हूँ। सो इसलिए ये डिफरेंस हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और गोल ऑफ नॉलेज, दोनों में डिफरेंस है, बट दोनों कृष्णा है। कृष्णा के एस्पेक्ट से दोनों एक ही है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कृष्णा हुए, गोल ऑफ नॉलेज मीन्स टू डेवलप रिलेशन विद हिम। तो भी नॉलेज हम लेते हैं, उसका गोल क्या है? टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्णा भी श्लोक में बोल रहे हैं, कौन सा नंबर है ये श्लोक? 18 है। हाँ, तो 19 में फिर कंक्लूड करते हैं कृष्णा। 19 श्लोका के अंदर गेयम सब्जेक्ट कंक्लूड करते हैं, बट 18 में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा, ये परमात्मा जो है, सन मून स्टार, इन सब के सोर्स है, और इस भौतिक संसार से बहुत दूर रहते हैं, और बट नजदीक भी है, और उनका ज्ञान जो है ट्रांसेंडेंटल है, और सबके हृदय में रहते हैं। तो ये सब चीजें बेसिक थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और 19 श्लोक में कंक्लूड करते हैं, बोलते हैं कौन ये गेयम को समझ सकता है। एंड में क्वालिफिकेशन बताते हैं कृष्णा। क्वालिफिकेशन जनरली पहले बताते हैं, बट ये सेक्शन में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि लास्ट श्लोक में बोलता है कि कौन इसको समझ सकता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम केयम चोक्तम समासत मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। Translation: Thus, the field of activities, knowledge, and the knowable have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. तो फुल्ली अंडरस्टूड कौन कर सकता है? मत भक्ता। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है? ज्ञान क्या है? गेयम क्या है? ये सिर्फ मेरे डिवोटी ही समझ सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो ज्ञानी है वो नहीं समझ सकता, ये 13 चैप्टर वो नहीं समझ सकता, गीता ही नहीं समझ सकता है वो। एक्चुअली कृष्णा क्लियरली इसमें बोल रहे हैं मत भक्ता। ज्ञानी लोग कृष्णा के डिवोटी नहीं होते हैं,
सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं. सो इसमें बताते हैं नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड रियलाइजिंग कृष्णा इन एवरीथिंग. ज्ञान मतलब क्या, खुद को समझना कि मैं आत्मा हूँ, कृष्णा का अंश हूँ और सब चीजों में कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं. तो ये प्रिलिमिनरी नॉलेज है भक्ति में एंटर होने के लिए. सो ओपिनियन ऑफ मोनिस्ट एट अल्टीमेट स्टेज द अबव मेंशन्ड थ्री आइटम्स बिकम वन बट द डिवोटी डू नॉट एग्री टू दिस. ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और गेयम तीनों एक हो जाते हैं और डिवोटीज तीनों को अलग रखते हैं, दो अंतर नहीं है. प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ग्रीन पैरट अगर ग्रीन ट्री में एंटर होता है तो ट्री नहीं बन जाता है. ठीक है, पैरट आइडेंटिटी अलग रहती है, पेड़ अलग रहते हैं, ब्रांचेस अलग रहते हैं. तो ऐसे ही क्वालिटी में एक जैसे आपको दिखेंगे बट तीनों अलग अलग है. तो ये कंक्लूजन है. सोल एंड सुपर सोल इज नोएबल. सुपर सोल इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू बी नोन. तो ये सेक्शन में कृष्णा परमात्मा की क्वालिटीज बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर सोल. तो ये सारा जो दो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें वो सारे 14 से लेके 18 तक जितने क्वालिटीज परमात्मा के हैं वो सब इसके अंदर बताए हैं. इसको आप पढ़ सकते हो क्या, थोड़ा के जूम इन करूं मैं, या आप लोग जूम इन कर सकते हो क्या? यस यस प्रभु. तो इसमें देखें ऑल परवेडिंग है, हैंड लेग्स आईज ईयर सब जगह है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ सेंसेस येट ही इज विदाउट सेंसेस अनअटैच्ड, है ना. ये सारे जो हमने श्लोकास ट्रांसलेशन पढ़े इस चार्ट के अंदर है. और ही इज अ ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर, ओवरसीयर एंड परमिटर, मेंटेनर एंड रियल फ्रेंड. ये 23 में आता है, श्लोक नंबर 23 में. एंड एक्चुअली क्षेत्रज्ञ और ज्ञेयम, समझे ना, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है और आत्मा भी है, ज्ञेयम आत्मा भी है परमात्मा भी है. तो परमात्मा का भी कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन 13.3 में कृष्णा बताते हैं कि मैं भी वो एक नोअर हूँ इस बॉडी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, और डिफरेंस क्या है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर. तो वो भी इस चार्ट के अंदर आ जाता है. सो इस तरह से ये पूरा सब्जेक्ट है इस सेक्शन के अंदर, और इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए. क्योंकि मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था तो मैं समझ ही नहीं पाया इस चैप्टर को, मैं जस्ट पढ़ते गया और जाते गया, और बहुत टाइम से मैं इस चैप्टर पे समझने का ट्राई कर रहा था कि इसको समझाए कैसे. ये सब्जेक्ट मैटर थोड़ा ऐसा है, पर अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ मैं सीनियर डिवोटीज की क्लासेस सुने, तब मेरे को मतलब मैं तो समझ गया, पर उसको समझाने के लिए भी एक चाहिए स्किल्स या नॉलेज या भक्ति. बट इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन. किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा. यस प्रभुजी, तो मैं आत्मा नहीं समझ पाया. क्या? आत्मा नहीं समझ पाया एक तो. आत्मा? हाँ. और दूसरा एक इम्यूनिटी बोला था, वो मैच्योरिटी क्या होता है वो समझ नहीं पड़ता है. थोड़ा हिंदी थोड़ा समझे. आत्मा मतलब समझते हैं आप? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. हाँ वो इतना है, वो इतना ही मालूम मुझे. और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता. ठीक है, वो क्या इंग्लिश में मेरा तो लोचा थोड़ा थोड़ा. जब ज्ञान समझ में नहीं आए तो विनम्रता काम आती है. अच्छा, मैच्योरिटी? मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं? परिपक्वता. परिपक्वता समझ में नहीं आया. एक्सप्लेन करेंगे मैच्योरिटी मतलब. जैसे परिपक्वता आप समझते हैं, परिपक्वता मतलब समझते हैं आप? नहीं समझा प्रभु जी, नहीं समझा. तो मैच्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं?
जैसे हम बोलते हैं ना, आम कच्चा है और आम पक्का है, कच्चा आम और पक्का आम। पक्का आम मतलब मैच्योरिटी, ऐसा कच्चा आम मतलब कि अभी उसमें पका नहीं है पूरा। तो ऐसे हम भक्ति में जब पक जाते हैं तब ये ज्ञान समझ में आता है। ठीक है, ऐसा अभी हम अच्छे से पके नहीं है भक्ति के अंदर। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और प्रश्न? परमात्मा जो है उसके भी हाथ और पैर से जैसे स्वरूप है, वो भी सिमिलर ही वन है जैसे विश्वरूप की सूर्य और चंद्र उनकी आंखें है। थोड़ा सेम ही हाँ, पर विश्वरूप डिस्क्रिप्शन जो है वो नियोफाइट्स के लिए, जो लोग भगवान को रिलेट नहीं कर सकते उनको समझाने के लिए। देखो ये जो पेड़ वनस्पति है वो भगवान के शरीर के बाल हैं, और जो सूर्य चंद्रमा है उनकी आंखें हैं। तो नियोफाइट्स के लिए जो लोग नहीं सब रिलेट कर सकते, और परमात्मा फीचर जो है वो ज्ञानियों के लिए, जो इस श्लोक में बताए वो ज्ञानियों के लिए। तो ऐसा यूनिवर्सल फॉर्म नियोफाइट्स के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका? दोनों कृष्णा के मैनिफेस्टेशन एक्चुअली। यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु क्वेश्चन ये था कि जो सॉरी प्रभु आनंदमय है राइट, तो उसको आपने लास्ट क्लास और ये क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला कि वो आनंदमय मतलब परमात्मा के बारे में, और विज्ञानमय मतलब सोल राइट। भगवद गीता इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग के चैप्टर में कि भगवान को हम तीन एस्पेक्ट में रियलाइज कर सकते हैं, ब्रह्मन परमात्मा एंड देन भगवान रियलाइजेशन मतलब फुल पोटेंशियल। तो आनंदमय मतलब परमात्मा पे कैसे अटक गया? क्योंकि आनंदमय, क्योंकि आनंद, क्योंकि परमात्मा जो है वो आनंद के स्रोत है, और वो हमें भी वो आनंद प्राप्त हो सकता है जब हम उनसे कनेक्ट हो जाए, और फिर हम भी आनंदमय हो जाते हैं। ओके तो प्रभु इसमें भगवान के साथ जो टॉप मोस्ट में हम रियलाइज कर सकते हैं भगवान फीचर को, हाँ कोई रिलेशन नहीं है फिर हमारा, फिर परमात्मा के साथ ही रिलेशन। हाँ, परमात्मा इन द सेंस कि कृष्णा से जब हम कनेक्ट हो जाए सब पॉइंट ही है। मतलब मैं ये 13 चैप्टर की लैंग्वेज में आंसर दिया आपको, बट अल्टीमेटली कृष्णा से जब हम कनेक्ट होंगे तब हम रियल आनंद को अनुभव कर पाएंगे। ऐसा, और जो प्योर डिवोटी होते हैं उनके हृदय में परमात्मा नहीं रहते, उनके हृदय में गोविंद रहते हैं, कृष्णा। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, राइट। तो प्योर डिवोटीज के हृदय में परमात्मा नहीं रहते हैं, प्योर डिवोटीज के हृदय में ओरिजिनल कृष्णा रहते हैं, तो इसलिए वो आनंद में। तो ये पॉइंट भी आचार्य जैसे एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू प्रभु। और कुछ? वो हमने रीड किया क्या 19 फ्लो का? किया था क्या? नहीं किया था। हाँ बोला था, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा था हमने। हाँ ट्रांसलेशन एक बार सिर्फ, हाँ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। पढ़ा था ना? तो किसने क्वेश्चन पूछा अभी? हाँ क्या? हाँ एक ही मानता है। हाँ तो दिस नॉलेज ऑफ थ्री थिंग्स, नोअर नोएबल एंड प्रोसेस ऑफ नोइंग, तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस जानना वो उसको विज्ञान बोलते हैं। हाँ
और जो डिफरेंस नहीं समझता है वो मीन्स वो मायावादी है, और वो डिफरेंस केवल भगवान के शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे, परफेक्ट नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड बाय अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डायरेक्टली, अदर्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। ज्ञाता को क्या बोलते हैं? नोअर। हाँ आत्मा परमात्मा क्या ये इसको बोलते हैं? ये मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। पहला गया है कि हम आत्मा हैं और हमें अब खुद को पहले समझना है, और दूसरा गया है कि परमात्मा को भी समझना है। क्या आता मतलब नोअर ना? हाँ नोअर भी दो है, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। परमात्मा सभी शरीर के नोअर है, सभी शरीर के ज्ञाता है, और आत्मा जो है केवल इस शरीर के ज्ञाता है। और आत्मा को ये शरीर को भी समझना है और खुद को भी समझना है, क्योंकि आत्मा खुद भी ये है। पर आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, वो समझे ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। आत्मा परमात्मा अलग अलग है, बस ये समझना है। सो तीनों आत्मा और परमात्मा दोनों ज्ञाता है और ज्ञेय है, पर दोनों का ज्ञाता और ज्ञेय वाला लेवल अलग अलग है। ये आत्मा और परमात्मा दोनों नोअर है और दोनों ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, पर दोनों के लेवल अलग अलग है। तो ये मोनिस्ट लोग मतलब मायावादी लोग इसको नहीं समझ सकते, बोले दोनों एक ही है, इसलिए इसको बहुत डिफिकल्ट है समझना। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी कि आत्मा परमात्मा एक है। डिटेल वर्णन आता है डिटेल वर्णन आता है भागवतम के अंदर, दूसरे शास्त्र के अंदर। ओके सो हम एंड करते हैं इधर। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय।